को सन 2011 से ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में नौकरी नहीं दी जा रही है। इनकी संख्या कानपुर में 5000 की लगभग है। ये सब इच्छा मृत्यु माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय से मांग रहे हैं, क्योंकि ओपन वैकेंसी निकालकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड मनमानी कर रहा है। 2700 ओपन वैकेंसी बाहर के लोगों को ज्वाइनिंग दी जा रही है, जबकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के एक्स ट्रेड अप्रेंटिस ने 3 साल और 4 साल का समय प्रशिक्षण में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में लगाया है, और चूंकि रेगुलर 3 और 4 साल प्रशिक्षण लिया तो पढ़ाई से भी वंचित रहे और किसी अन्य संस्थान में भी नौकरी नहीं की, और आज जब इनको नौकरी मिलनी चाहिए तो ओपन वैकेंसी निकालकर भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बाहर के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर रहा है। इसका हम प्रबल विरोध करते हैं, इनटक इसका विरोध करेगी। कल माननीय केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी से सर्किट हाउस में हम मजदूरों की मीटिंग है। मैं मीटिंग में उनसे निवेदन करूँगा कि माननीय अठावले जी, आप हमारे साथ रक्षा मंत्री महोदया से मिलिए और हमारी पक्ष को रखिए। इन नौजवानों को जिनको नौकरी मिलनी चाहिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, जिनका अधिकार है, जिनके ऊपर भारत सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया है, उनको नौकरी दी जाए। उसके लिए हम मांग करेंगे। हमारे सैकड़ों की संख्या में कल मजदूर साथी हमारे साथ में होंगे। सर्किट हाउस में माननीय अठावले जी के सामने हम अपनी गुहार लगाएंगे।